और अब ये एक नहीं कई सारी जेसीबीज आ गई हैं, होपफुली ये ट्रक को खींच के निकाल देंगे या फिर साइड से एक शंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ चलता रहता है इस पहाड़ पे। ये जेसीबी का ये भी एक काम हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सो हर एक दिन एक नई चीज़ देखने को मिलती है और लोग भी तालियां बजा रहे हैं। खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। यह आज की राइड उखरूल से कोहिमा वाया इम्फाल 213 किलोमीटर 6 घंटे 10 मिनट के तकरीबन का समय तो गूगल बता रहा है, पर मैं जानता हूं समय इससे कहीं ज्यादा लगने वाला है क्योंकि मैं इसी सड़क से आया भी था और सड़कों की हालत जो है और जैसा मौसम है उससे मुझे पूरा अंदाजा है कि 10 से 11 12 घंटे लग सकते हैं। एक और भी सड़क है जिससे डिस्टेंस तकरीबन 80 किलोमीटर कम है बट वक्त उतना ही लगने वाला है, तो इससे आपको रोड कंडीशन का पता चल गया होगा। लोगों ने भी एडवाइस किया कि उस सड़क को ना ही लें तो अच्छा है, तो मैं उस सड़क को अवॉइड करूंगा। और ये खड़ा है शेरू अपना फुली लोडेड, पिछले एक महीने में इसने 7000 किलोमीटर की जर्नी कर ली है, तो अब इसको और चलाते हैं, चले चलते हैं। 9 दिन गुजारे मणिपुर में, मणिपुर की तकरीबन हर एक वैली में राइड किया, बहुत जगह देखी, बहुत लोगों से मिला, बहुत यादें ऐसी बन गई जो ज़िंदगी भर साथ रहेगी, बट अब उसको विदा करने का वक्त आ गया है। सो आज मैं मणिपुर छोड़ रहा हूँ, मणिपुर को अलविदा कह रहा हूँ, और आज हम पहुँचने की कोशिश करेंगे कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, और कल से हम नागालैंड को एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैंने सोचा था इस राइड की वीडियो को नहीं डालूंगा क्योंकि ये आज का दिन तो सिर्फ राइड ही है, पूरा का पूरा दिन राइड में ही निकल जाना है, बट ये राइड इतनी इंटरेस्टिंग है कि फिर मैंने सोचा कि इस राइड में अगर आप लोग साथ रहें, अगर इस राइड को आप देख पाएं तो आप इसको काफ़ी एंजॉय करेंगे, हेंस द डिसीजन टू पुट दिस राइड इन अ वीडियो। ये पीछे जो आप ट्रैफिक आइलैंड देख रहे हैं इसको कहते हैं माओ गेट, एक्चुअली इसको माओ कहते हैं, इस जगह का नाम है माओ बिकॉज यहाँ माओ ट्राइब के लोग रहते हैं जो 100% क्रिश्चियंस हैं ना सर। एंड यहाँ मणिपुर की हद ख़त्म होती है और इसके आगे एक और गेट है जिसका नाम मैं वहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट वो नागालैंड का वेलकम गेट है। तो ये मणिपुर का एग्जिट गेट है और आगे नागालैंड का वेलकम गेट है, बट वो तो सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज है क्योंकि लोग जो हैं ट्राइब वाइज वही ट्राइब इधर भी रहता है और वही ट्राइब वही उधर भी रहता है। तो मुझे आई मेट दिस जेंटलमैन, सो लेट मी फाइंड आउट अबाउट दिस प्लेस फ्रॉम हिम। आई एम फ्रॉम माओ, माओ ट्राइब्स। ओके, एंड देन दिस प्लेस इज माओ, जस्ट नियर दैट रिवर, नागालैंड एंड दिस साइड इज मणिपुर। दिस इज हियर इज क्लाउड Cloudy, no? That side is Nagaland, and this side is Manipur. Okay. And then here you can call it, this one is island. Okay. Because of the traffic point, the village are coming from that side. And if you go at the straight one, it will be dash, no? Because of that, the traffic point is making here. And so, that's all. Thank you very much. तो ये तो आपने देख लिया होगा कि बहुत ही प्यारे लोग हैं यहाँ पे। दो चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि जो ये ट्राइब्स हैं ये 100% क्रिश्चियंस हैं और क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनकी लाइफ में। प्लेन्स के क्रिश्चियन शायद इतना ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस नहीं है, बट जो हिल्स के क्रिश्चियंस हैं वो इससे बहुत ही, उन क्रिश्चियनिटी का, चर्च का उनके लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। और चलिए आगे भी लोगों से मिलेंगे। ये ट्राइब इन स्टेट की बाउंड्रीज से डिवाइड नहीं होते हैं, ये ट्राइब्स दोनों तरफ ही रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, सी यू, थैंक यू। और हाँ, एक और जरूरी बात बताना मैं भूल गया, जितने भी ये हिल ट्राइब्स हैं ये सभी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और ऑब्वियसली उसका मिशनरीज के साथ कनेक्ट है, और इसी वजह से
ये मेनलैंड इंडिया में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अगर आप नंबर्स पे जाएंगे तो नंबर्स आपको छोटे मिलेंगे क्योंकि यहाँ लोग ही कम है, बट अगर आप परसेंटेज पे जाएंगे तो इनका एक अच्छा परसेंटेज जो है वो मेनलैंड इंडिया में हॉस्पिटैलिटी और सर्विस इंडस्ट्री में है। अभी मैं नागालैंड का एंट्री गेट क्रॉस करके आ गया हूँ, बट यहाँ से शुरू होता है एक खराब सड़क का सिलसिला और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क के खराब होने का के जो ये ट्रॉफीज हैं ये आपको मिलते ही रहेंगे रास्ते में। और ये अभी अभी हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम पड़ा है। सड़कें ऐसी हैं कि अगर एक एक्सीडेंट भी हो जाए तो सारा ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। लगे हुए हैं लोग, थोड़ी देर में शायद क्लियर हो जाएगा, बट इस तरह के एक्सीडेंट्स इधर होते रहते हैं। इस सड़क पर आ रहे हैं हम, ये जो गेट हमने नागालैंड का क्रॉस किया था जिसका नाम मैं भूल गया था, उसका नाम है खुजामा गेट उसका नाम है। और ये है नागालैंड का पहला गांव, इसको खुजामा गांव बोलते हैं। गांव तो खैर क्या है, ये इनका छोटा मोटा कस्बा है, इनके गांव पहाड़ों पे होते हैं। बट एज आई सेड, क्रिश्चियनिटी फुल्ली डोमिनेंट है और हर एक गांव में हर एक नुक्कड़ पे आपको चर्च मिलते हैं। ये ऐसे बोर्ड्स, ऐसे पिलर्स आपको हर एक गांव में मिलते रहेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में स्टूडेंट्स यूनियन बहुत पावरफुल है, ये गवर्नमेंट्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। तो ये है साथ की वैली और ये वाली जो सड़क है इस पे हमें जाना है अभी। ये गडकरी जी ने खोद रखा है असल में, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साल दो साल में ये सड़क ठीक हो जाएगी। बट अभी ये सिर्फ यहाँ से लेके कोहिमा तक तकरीबन 25-30 किलोमीटर ऐसी ही है, कीचड़ है। और ये 25-30 किलोमीटर कवर करने में पिछली बार मुझे तकरीबन 4 घंटे लगे थे, पर उस दिन बारिश भी हो रही थी। अगर बारिश हो जाए तो इस सड़क का हाल बहुत बुरा हो जाता है। आज देखते हैं कैसी मिलती है, क्योंकि जाना तो है ही, पर बच्चे हर जगह एक जैसे ही हैं। अब ये बच्ची स्कूल जा रही है और ये इसका कोई पेपर वगैरह है। यू गॉट सम एग्जाम्स टुडे? नो? ओके, थैंक यू। अब ये पहला रोड ब्लॉक, ये है वो ट्रक जो फंस गया है। अब इसके बीच में से बाइक निकलने की भी जगह नहीं है और जिसकी वजह से पीछे पूरा जैम लगा हुआ है। इस जैम को क्लियर करने में कितना भी वक्त लग सकता है, सो पेशेंस, इसके अलावा कोई जवाब है नहीं। और ऐसे जैम्स यहाँ पे अनकॉमन नहीं है, तो अगर आप किसी भी राइड पे निकल रहे हैं तो रिजर्व टाइम नियरली 70-100% लेके चलना पड़ता है, क्योंकि पहाड़ों पे कब क्या हो जाए जो आपको रोक दे उसका पता नहीं चलता है। और अब ये एक नहीं कई सारी जेसीबीज आ गई हैं, होपफुली ये ट्रक को खींच के निकाल देंगे या फिर साइड से एक शंट बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ चलता रहता है इस पहाड़ पे। ये जेसीबी का ये भी एक काम हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सो हर एक दिन एक नई चीज़ देखने को मिलती है और लोग भी तालियां बजा रहे हैं। खुश रहने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। और ये भाई सुबह के 7-8 बजे कुछ ज़्यादा ही हैप्पी हो गया है। ये भी है पहाड़ों के रंग, ये भी बहुत ज़्यादा मिलता है। अभी
चलो वक्त की बात है, ये पहुंच जाएगा अपने घर। इस सड़क पे हम आए हैं, होपफुली बैड रोड्स का जो सिलसिला है वो खत्म हो चुका है। 22 किलोमीटर ट्रैवल करने में हमें 4 घंटे लगे, 3 एक्चुअली, बिकॉज 1 घंटा तो हम जाम में ही फंसे रहे। जैसा आप देख सकते हैं काम काफी तेजी पे चल रहा है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पूरा भरा पड़ा है। इंसिडेंटली मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट हाईवेज में से एक है, इसको एशियन हाईवे 1 बोलते हैं, AH1 नंबर में थोड़ी गलती हो सकती है, और यही वो सड़क है जो इंडिया को बर्मा, इंडोनेशिया, लाओ, थाईलैंड के साथ कनेक्ट करेगा। और इस सड़क के अच्छे होने पे ही डिपेंड करता है नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी का सक्सेस और फ्री ट्रेड रेजीम का सक्सेस। तो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है ये, और आप देख सकते हैं कि काम जोर शोर पे चल रहा है। हालांकि अभी जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बट हम शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि जब सड़कें बनेंगी तो ऐसी ही बनेंगी। गजब की मशीन है ये, इंसानों से 1000 गुना ज्यादा काम करती है और इंसानों जैसी ही हरकतें हैं इसकी सारी। ये मुझे मिले अभिजीत विश्वास जी, ये इस रोड कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है। तो कल के डेट में जब ये एशियन हाईवे खुल जाएगा, जब साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा ट्रेड फ्लरिश हो जाएगा, तो हम लोगों को पता भी नहीं होगा कि जब इस रोड के बुरे दिन चल रहे थे तो अभिजीत विश्वास जी खड़े होकर इस सड़क को बना रहे थे। थैंक यू अभिजीत, थैंक यू वेरी मच। ये रहा वो एशियन हाईवे, और सामने है कोहिमा शहर का पहला व्यू। हालांकि अभी कोहिमा 18-20 किलोमीटर दूर है, बट पहाड़ों में डिस्टेंस बढ़ते रहते हैं, क्रो फ्लाई डिस्टेंस 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होगा। हम कोहिमा जा ही रहे हैं, कोहिमा को एक्सप्लोर भी करेंगे, तो वहाँ जाके कोहिमा के बारे में बाकी चीज़ें आपको बताऊँगा। अभी तक तो मैं यहाँ पर रुका था आपको एशियन हाईवे और उसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि कितना ज़रूरी हाईवे है ये। तो ये रहा कोहिमा सिटी का पहला व्यू, अभी 7-8 किलोमीटर दूर है ये, और हम वहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको उसको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ये नागालैंड का कैपिटल है और किसी भी पहाड़ के बड़े शहर जैसा है। आसपास ये ऊंचे पहाड़ हैं, वादियां हैं, और उसी के ऊपर बसा हुआ है ये खूबसूरत सा शहर। तो आज की जर्नी को मैं यहीं पे एंड करता हूं, आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। कोहिमा को एक्सप्लोर करेंगे, नागालैंड के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करेंगे, पूरे देश को एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दिस इज ब्रिगेडियर अनिल गौतम विशिंग यू गॉड स्पीड एंड अबव एवरीथिंग एल्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।